अगर ये बातें तुम जान गए ना तो डेफिनेटली किसी भी लड़के को इम्प्रेस कर लोगे। लड़कियां बताना, ये लड़कियों को इम्प्रेस करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, गारंटी मैं लेती हूँ। कोई भी कमिटेड लड़की या किसी भी एटीट्यूड वाली लड़की जो तुम्हें इग्नोर करती है, भयंकर इग्नोर करती है और भाव खाती है ना, वो भी लड़की तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी और तुमसे जरूर बातें करना चाहेगी और तुम पे बेसिकली मर मिटेगी। लेकिन इसके लिए उसकी कमजोरियां तुम्हें जाननी होगी और वो टॉप सीक्रेट्स, वो कमजोरियां, वो वीकनेस ना, वीक पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरोही, जो आपको सारे लव टिप्स देती हूँ और सारी सीक्रेट्स बताती हूँ। तुम मुझसे जुड़ गए हो ना, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। तो लड़कियों की सबसे पहली वीकनेस होती है स्मार्ट लुक, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अब देखो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इस चीज से नहीं आती कि तुम्हारे पास जो है बहुत सारी शोहरत है, पैसा है। फर्स्ट टाइम में वो चीजें नहीं देखते, फर्स्ट टाइम में देखते तुम कितने अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिख रहे हो। तुम्हारे बियर्ड, तुम्हारा लुक, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा मेल ईगो, वो भी तो एटीट्यूड का ही पार्ट है, मेल ईगो, तुम्हारी फिट बॉडी, वो सारी चीजें ना लड़कियों को काफी पसंद आती है। यही उनकी वीकनेस है, वो जान देती है इन चीजों पे। ये इनका पहला वीक पॉइंट है। अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को कुछ अच्छे से बनाते हो तो फिर डेफिनेटली लड़की तुम्हें जरूर देखेगी और वीक पॉइंट पिघल ही जाएगी तुम पे। नेक्स्ट जो चीज है वो है पॉपुलैरिटी। किसे नहीं पसंद कि उसका बंदा पॉपुलर हो, स्मार्ट हो, वो सबसे वांटेड हो, सब उसे चाहती है। लड़कियां उस पर मर मिटती है, उसके पास पैसे हैं। अब किसी भी चीज में तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो, ऐसे तो है ही, बट स्मार्टनेस तुम में ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो चीज लड़कियों को काफी पसंद आता है कि मेरा बंदा ना पॉपुलर है, स्मार्ट है। नेक्स्ट है तारीफ करने वाली लड़की। लड़कियों की वीकनेस है कि अगर उनकी तारीफ कर दो ना तो वो पिघले जाते हैं। वो तुमसे बात करने के लिए रेडी होगी, तुम पे बार बार तुमसे बात करना चाहेगी, तुम्हारी कॉल्स का वेट करेगी और जब बातें होंगी तो फिर बात तो आगे बढ़ेगी ना। तो इनका वीक पॉइंट है कि तुम उसे तारीफ करो तो उसे पसंद आता ही है। नेक्स्ट वीकनेस है हेल्पिंग नेचर वाले लड़के। उनपे लड़कियों का दिल जो है पिघल ही जाता है। किसे नहीं पसंद कि कोई बंदा मेरी केयर करे, मेरी रिस्पेक्ट करे और मेरी हेल्प करे। अगर तुम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है, सॉल्विंग हो, तो डेफिनेटली वो तुमसे इम्प्रेस होगी और बार बार तुमसे कनेक्ट होना चाहेगी। नेक्स्ट जो हर लड़के की वीकनेस है, पैसा। देखो, पैसे बिना कुछ नहीं, ये फैक्ट है कि लड़कियां पैसे देखती हैं और पैसे देख के तुम्हारे लुक से ज्यादा तुम्हारे पैसे को भी देखती है। तो पैसा, शॉपिंग, गिफ्ट, क्लॉथिंग, घूमना फिरना, ये हर लड़की की फिटनेस है। चाहती है कि उसका बंदा उससे सारी चीजें दे, इंजॉयमेंट कराए, शॉपिंग कराए। तो अगर चाहते हो तो डेफिनेटली ये भी वीक पॉइंट है लड़कियों की, जो तुम्हें जानना चाहिए। नेक्स्ट इमोशंस है कमजोरी। अगर वो तुम्हारे साथ इमोशनल हो गए या फिर तुमने उससे इमोशनल बॉन्डिंग बना ली, वो टच क्रिएट कर लिया, तो डेफिनेटली वो तुम्हारे साथ हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो है ना वो इमोशनल होती है। अगर तुम्हें इसके लिए अपनी कोई इमोशनल स्टोरी भी बनानी है तो बना डालो, क्योंकि लड़कियां इन चीज़ों पर पिघल जाती है। इमोशनल होना और इमोशनल सेंटिमेंट पर्सन को पसंद करती है, जो उसके इमोशन को समझता है और वो उसके पास खुद एक इमोशनल स्टोरी भी होती है। नेक्स्ट है रोमांटिक होना। हर लड़की चाहती है कि उसके लाइफ में एक ऐसा रोमांटिक पार्टनर हो जो उसे प्रिंसेस वाले फीलिंग दे, उसकी भी स्टोरी हो, उसकी भी एक लव स्टोरी हो जिसे वो खुशी से सबको बताए। तो वो भी चाहती है उसका एक प्रिंस चार्मिंग हो। तो तुम अगर उसके साथ मूड क्रिएट कर पाते हो, तुम एक रोमांटिक पर्सन हो उसे, तो फिर तुम्हारे पास ये चांस जरूर मिलेगा कि वो तुमसे फ्लर्टी बातें भी करें। और जब फ्लर्टी और नॉटी बातें होती हैं तो लड़कियां उस बंदे से इम्प्रेस हो ही जाती हैं, क्योंकि हर लड़की को रोमांस और रोमांटिक पर्सन काफ़ी पसंद है। ये उनकी बहुत बड़ी वीकनेस होती है, वो तो सारी चीज़ों को साइड कर देगी। अगर तुम रोमांटिक हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी रोमांटिक है, तुम उससे रोमांस करना जानते हो, तो वो तुम्हें काफ़ी पसंद करेगी। तो ये सारी वीकनेस थी जो मैंने आपको बताई। आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी और आप किसे यूज़ करते हो, वीक पॉइंट कौन सी वीक पॉइंट बताती, कमेंट में जरूर लिखना। होप सो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।